अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब हरिया से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये आप देखें ज़रा, ये है जी हवाई फाइकस का पौधा। ये हवाई फाइकस का पौधा है, इसकी जो है ना वो कटिंग करके तो इसको मुख्तलिफ शेप्स दी जाती हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अभी बिल्कुल सादा पौधा है। अभी मैं इसको जो है ना वो इसकी कटाई करके इसको लोकल बोनसाई की शेप दूंगा, जिसकी वजह से इसकी कीमत में और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। ये आप देखेंगे, अभी मैं आपके सामने आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा इस पौधे की। तो आप फिर ये देखेंगे किस तरह से लोकल बोनसाई बनती है। तो चलें स्टार्ट कर। देखें जी, ये है छोटा कटर। छोटे कटर का मकसद ये होता है कि जो छोटी मोटी कटिंग होती है ना, वो इस कटर के साथ की जाती है। जैसा कि आप ये देखें, ये अभी यहाँ पे कोई हेड नहीं बनेगा, तो इनको काटने के लिए इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब जो हम हेड बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये है, ये जब हेड बन जाएगा तो इसको इस बड़े कटर के साथ जो है ना वो एक खूबसूरत शेप दी जाएगी, उसकी कटाई की जाएगी। तो पहले हम ये छोटे कटर से कटाई स्टार्ट करते हैं। पौधे की हमने कटाई जो है ना वो छोटे कटर के साथ कर दी है, इसके हेड बना दिए हैं। अब इस बड़े कटर के साथ जो है ना इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा। ये देखें आप ज़रा। ये इसका सबसे नीचे वाला स्टेप, ये बाकी स्टेप आप देख लें। ये जी इसकी हमने बना दिया लोकल बोनसाई, यानी कि जिसको आम अल्फाज में हम टपैरी बोलते हैं। ये टो वाला हेड चेक करें, ठीक है। लो जी, ये तरीकाकार है इसकी कटिंग का। आपने जिस तरह की इसको शेप देनी है उस तरह की आप कटिंग कर लें। कौन बनानी है कौन बना लें, बॉल बनाना है बॉल बना लें, ठीक है। ये देखिए, ये सादा पौधे हैं, इनको कटिंग करके इस तरह की शेप दी जाती है। ये आपने इसकी जो चीज़ बनानी है वो बना लें, चेयर बना लें, ठीक है। इसकी कोन बना लें, स्पायरल बना लें, बॉल बना लें, मल्टी हेड बना लें। ये मैंने मल्टी हेड बनाई है, मल्टी हेड बना लें, जिस तरह की मर्जी थ्री स्टेप बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।